हाँ जी, सभी बच्चों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग जी। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, जिस पे हमने अभी अभी लेटेस्ट काम किया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सीधा लेके चलूंगा फील्ड लाइंस, डायपोल, डायपोल मोमेंट, उसके बाद एक्सियल, इक्विटोरियल एट एनी पॉइंट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे रहने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी बात को करते हैं स्टार्ट। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट से हमें कैसे डील करना है, चलो स्टार्ट हो जाते हैं। देखो बच्चा, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है उसकी डिमांड सुन लो और उस पर काम कर लो। ठीक है, ए स्मॉल बॉल ऑफ पेपर हैज मास दिस एंड कैरीज ए चार्ज दिस व्हेन इट इज हेल्ड ओवर अनदर चार्ज बॉल ऑफ पेपर एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर अबोव इट, द टू बॉल्स स्टे इन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द चार्ज ऑन द सेकेंड बॉल, मतलब उसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए। देखो बच्चा, सोच के देखो, ए स्मॉल बॉल ऑफ पेपर, आपके पास एक बॉल है, इस तरह का बॉल है। ठीक है, ये पेपर बॉल मान लेता हूँ। ठीक है, ये मान लिया हमने पेपर बॉल। ठीक है, ए स्मॉल बॉल, ठीक है, पेपर बॉल मैंने माना है। देखिए थोड़ा सा बीच में बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है, उनको एडमिट कर लो। ठीक है, हैज ए मास, इसका मास में दे रखा है, एंड कैरीज ए चार्ज, उसका चार्ज भी हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखेंगे हम लोग। ठीक है, व्हेन इट इज हेल्ड और अनदर चार्ज बॉल ऑफ पेपर एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर अबोव इट, द टू बॉल्स स्टे इन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द चार्ज, व्हेन इट इज हेल्ड, जब इसको रखा गया, स्मॉल बॉल ऑफ पेपर हैज मास दिस चार्जेस व्हेन इट इज हेल्ड ओवर अनदर बॉल ऑफ पेपर एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर अबोव इट, 2 सेंटीमीटर अबोव इट, मतलब इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर के। ये देख लो भाई, आप लोग इसकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेना क्या कहता है, मैं तो कॉन्सेप्ट का आंसर आपको एग्जैक्ट बताऊंगा नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमें गिवन है, दैट इज कितना है सेपरेशन, सेपरेशन इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, द टू बॉल स्टे इन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द चार्ज ऑन सेकेंड बॉल, कोई बात नहीं निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, कोई बात नहीं, ए स्मॉल बॉल ऑफ पेपर हैज ए मास, उसके पास मास है 9 × 10⁻⁵ kg, कैरीज ए चार्ज 5 q1, चार्ज है आपके पास 5 µ·10⁻⁶ कूलम, then it is held or another ball of paper at a distance, ठीक है, 2 सेंटीमीटर above it, 2 सेंटीमीटर above it, the two balls are in equilibrium, what is the charge on the second ball? देखो बच्चा कैसे, मतलब आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस कॉन्सेप्ट का आंसर भी निकाल दिया होगा। ठीक है ना, तो अब आप मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है। यहाँ पे मेरे को जहां तक बात समझ में आती है ना, केवल mg वाला कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक mg जो है वो बैलेंस करेगा किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, मतलब इसका जो वेट है, यहाँ पे दो फोर्स हो सकती है, एक तो हो सकती है q2 डिवाइड बाय r² और दूसरा हो सकता है यहाँ पे F=mg। और अगर ये एक दूसरे को बैलेंस करके चल जाए, अगर ये एक दूसरे को बैलेंस कर ले तो फिर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी कि q1 q2 डिवाइड बाय r² दैट शुड बी इक्वल टू mg, है ना। तो आपको मैं आपको बता दूं कि k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹, q1 चार्ज कितना दे रखा है 9 × 10⁻⁵, q2 की वैल्यू निकालनी है जी, और डिवाइड बाय r² मींस 2 × 10⁻²² का होल स्क्वायर। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू m, m कितना मास कितना दे रखा था 9 × 10⁻⁵, g की वैल्यू ले लियो कितने, n वैल्यू ले लेते हैं जी। ठीक है ना, जी की वैल्यू हम ले लेते हैं कितनी 10 के ऊपर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, और यहां से Q2 की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, Q2 की वैल्यू, ठीक है ना, Q2 की वैल्यू जो भी आपके सामने आए अब वो वैल्यू आप बता देंगे, आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि यहां से आपके पास सीधा सीधा Q2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो था बहुत इजी, जिसमें दो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके चल रही, ठीक है ना, बैलेंस करके चल रही। अब देखो नेक्स्ट पे बात करता है, नेक्स्ट क्या कहता है आपको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो काफी इजी लगा मेरे को। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की ओर। देखो भाई, इसमें इसमें क्या कहा गया, अच्छा जी,
ये आपका न्यूमेरिकल अच्छा है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, ए वॉटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 1 माइक्रोन, ठीक है, रेडियस उसका 1 माइक्रोन दे रखा है, माइक्रोन का क्या मतलब है 10^-6, ठीक है, और 1 माइक्रोन 10^-6, अच्छा, ए वॉटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 1 माइक्रोन इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप अपरेटस इज फर्स्ट हेल्ड स्टेशनरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी है भाई, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डज इट कैरी, आपको E की जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है 1.6 × 10^-19 कूलम्ब, G की वैल्यू ये लेनी है डेंसिटी का, वाटर की डेंसिटी से हम जानकार हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, वाटर की डेंसिटी के बारे में हम खूब ही अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, तो फिर ठीक है अपनी बातों को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, देखो जी इसको हम करते हैं क्लियर और बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, है ना। देखो जी, ए वॉटर ड्रॉपलेट, हमने क्या कहा, एक बार बीच में बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है भाई, थोड़ी सी एक्सेप्ट करता जाऊं, कहीं कोई बच्चा वेटिंग लिस्ट में ना बैठा रहे बेचारा। हाँ जी, ए वॉटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस, इसका जी रेडियस आपको दे रखा है 1 माइक्रोन, दैट इज 10^-6 मीटर, ठीक है जी, 10^-6 मीटर उसकी वैल्यू दे रखी है रेडियस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको दे रखी है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 5.1 × 10^4 न्यूटन पर कूलम। अच्छा जी, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डज इट कैरी, n निकालना है जी, कोई बात नहीं निकाल ले, ठीक है, और टेक E इज इक्वल टू दिस, देखो आपको क्या कहा गया है, आपको ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के दे दिया ऐसा ऐसा ऐसा, देखो ऐसे ये आपको ऐसे, है ना, और आपको ये कह दिया कि इसमें ना एक ओल्ड रोप है जो स्टेशनरी रहेगी, ये देखो ये मान लो आपके ड्रॉप वाटर ड्रॉपलेट हो गया हमारे पास, ठीक है, ये स्टेशनरी कब रह सकती है, सोचने वाली बात है, ये स्टेशनरी तब रह सकती है जब नीचे लगने वाली फोर्स और ऊपर लगने वाली फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करे। अब नीचे लगने वाली फोर्स तो 100% श्योर है mg होगी, ऊपर लगने वाली फोर्स आपके पास आ जाएगी qe, यानी कि qe जो होगा वो mg को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, qe जो होगा वो mg को अगर बैलेंस कर देगा तो फिर कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब q में क्या निकालना है, qe में क्या निकालना है, q तो ne के बराबर होता है, तो n into e into e that is equal to mg, है ना, मेरी बात समझ रहे हो, तो n आपके पास क्या आ गया, mg upon small e into capital, small e into capital e, this is the value of number density, फटाफट से वैल्यू रखते जाओ बिना सोचे समझे, ठीक है, n is equal to m, mass, mass में कितना रखना होगा बताओ, मास हम कितना लेके चले, मास हमारे पास गिवन है क्या, देखो भाई फटाफट से चेक करो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी दे रखी है और रेडियस दे रखा है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। अच्छा मास क्या होता है पता है, मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम होता है ना, तो यहां से मास निकाल लो, डेंसिटी कितनी है 10^3, वॉल्यूम कितनी होती है स्फीयर की 4/3 πr³, r³ रेडियस कितना है 10^-6, इसकी क्यूब करोगे -18 हो गया, ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 4/3 πx·10^-15, इतनी बात आ गई आपके पास, यानी कि m is equal to, m की जगह क्या लिखूं, m की जगह लिख देता हूं 10^-15 × 4/3 और 3.14, g की वैल्यू ले लो 10, e की वैल्यू होती है 1.6 × 10^-19, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी है 5.1 × 10^4, देखो ये 15 है -15, ये +15 से चला जाएगा, गया, अब आपके पास देखो कितना आया आंसर, कैसे बनेगा आपके पास 4 × 3.14 × 10 / 1.6 × 5, 5 × 2 = 10, ठीक है भाई, अच्छा 16 × 32, ठीक है 16 × 32, ठीक है, तो 4 × 8, 8 × 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया आपके पास 16 आ गया जी, नंबर ऑफ मेरा तो इतना ही आया है, ठीक है, आप उसको मैच करके देख लेना, मैथमेटिकल कोई गड़बड़ ना हो, बाकी सब कुछ मैंने सही किया है, ठीक है, ये चीज आप चेक कर लेना बस, ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट मेरा बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अब देखो, अब यहां से एक मिनट
हाँ जी सॉरी बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट। हाँ जी, मैसेज आया एक बच्चे का, सर प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ कर लिया बेटा, अनम्यूट कर लिया। मैंने जानबूझ के किया था, मेरे को बीच में जाना पड़ा कहीं, तो इस करके मैंने म्यूट कर लिया था बच्चा। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, नेक्स्ट टारगेट की ओर। देखो आकर्षण, ये अपने मोहल्ले की बात है ना, मुझे ट्यूशन पे सुना दियो। आकर्षण म्यूट योर सेल्फ। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखो हाँ जी, हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास है 2 पॉइंट चार्जेस, प्लस 16 माइक्रोकुलम और -9 माइक्रोकुलम, आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ये बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमसे पूछा है, ठीक है ना। ये मतलब हमसे जबरदस्त बात पूछ रही है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो जहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है एक नेगेटिव चार्ज आता है, और हमें पूछा जाता है कि बताइए किस डिस्टेंस पे आपका फील्ड जीरो होगा। तो उसके लिए मैं कंडीशन बताता हूं आपको। पहले हम दो चार्ज लेते हैं, ठीक है। एक है आपके पास ये वाला चार्ज, एक है आपके पास ये वाला चार्ज, ठीक है। दोनों के बीच सेपरेशन मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए जी, दोनों के बीच सेपरेशन जो है वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको दिया है 8 सेंटीमीटर सेपरेशन दिया है, एक आपको दिया है 16 माइक्रोकुलम और एक आपको दिया -9 माइक्रोकुलम। देखो ऐसी सिचुएशन जब भी आपके पास आए, ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज होता है ना उससे एक्स डिस्टेंस पे जाके कह दो कि वहां पे फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। मान लीजिए मैंने यहां कह दिया, देखो ऐसे 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 मैंने मैंने यहां यहां कह दिया, ठीक है, इसी के पैरेलल में चला, यहां से एक्स सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, एक्स सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे हमने मान लिया क्या, फील्ड जीरो। यानी ए पे पड़ा है 16, बी पे है -9 और पी पॉइंट पे हम मान लेते हैं जीरो, जिसका यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है आपके पास एक्स के बराबर। अब देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होना चाहिए, जीरो। दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, यहां पे जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का फील्ड यहां पे जीरो होगा। तो दोनों का फील्ड अगर जीरो होगा, मान लो इसकी वैल्यू है E1, इसकी वैल्यू है E2, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो होगा, मतलब एक का E1 और -E2 दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक की डायरेक्शन तो होगी भाई बाहर की तरफ, पॉजिटिव तो इधर धक्के मारेगा, नेगेटिव इसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, अट्रैक्ट करेगा। अगर इस पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, मान लीजिए हमने Q0 जो पॉजिटिव है और बिल्कुल स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो एक उसे रिपेल करेगा बच्चा, एक अट्रैक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, ये। और ये क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो कब होगा, जब E1 = E2 हो जाएगा। तो पहले निकालो E1, मान लो इसका फील्ड है E1, और फिर निकालो E2। तो E1 के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के चार्ज कितना है, 16 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10^-6 डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सोर्स एंड टेस्ट, ये सोर्स ये टेस्ट, यहाँ पे बी पॉइंट पे टेस्ट, सोर्स और टेस्ट के बीच डिस्टेंस कितना है, 8 + x सेंटीमीटर है ना, तो 8 + x का स्क्वायर होगा और इंटू 10^-2 का स्क्वायर होगा, तो ये -4 हो जाएगा, 10^-4 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, E2 निकालो, E2 के लिए इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो गया, दूसरा चार्ज कितना हो गया, -9, माइनस तो आपको लेना नहीं, तो 9 × 10^-6 डिवाइड बाय x सेंटीमीटर है, तो x का स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10^-4। अब आपका E1 E2 दोनों बराबर होने चाहिए, अगर बराबर होने चाहिए तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। चलो देखते हैं, k से k कैंसिल हो जाएगा, देखो अगर दोनों को आप इक्वेट करते हो तो k से k कैंसिल हो गया, 10^-6 -6 गई, -4 -4 गया, ठीक है।
और आपके पास बन गया जी 16 अपॉन 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ले लो दोनों साइड, तो 4 अपॉन 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, 9 का 3 बाय एक्स, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो जी, तो 4x इज इक्वल टू 8, 3 जा 24 प्लस 3x, 4x माइनस तो x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आपके पास आ गया आंसर, ये लो ठीक है, x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ चुका है, आप इसको चेक कर लीजिए। तो दिस इज द वे, देखो इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई है बच्चा, कि अगर आपको एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है एक नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो उस सिचुएशन में आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकालना है, तो आप उस लाइन पे नेगेटिव चार्ज के पास चले जाओ, नेगेटिव चार्ज के पास, लेकिन उन दोनों का जो रीजन है ना दोनों का बीच का, उससे लेफ्ट को चले जाओ, उससे लेफ्ट साइड चले जाओ, ठीक है, उससे लेफ्ट हो गया या राइट हो गया, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज था ना बच्चा इससे इधर को जाना था आपको, इससे इस ये नेगेटिव चार्ज था ना इससे इधर आपको मान लिया वैल्यू, इधर ये देखो जो एरो मैं आपको दिखा रहा हूं इससे इधर आपको वैल्यू मान ली है हर सिचुएशन। अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैं एक बात बता दूं आपको कि मैं जिस कॉन्सेप्ट के साथ डील कर रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इंटेंसिटी निकाली है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू ई, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी कॉन्सेप्ट का बेस बना के मैं काम कर रहा हूं। अब देखो इसमें क्या कहा गया, फोर्थ क्वेश्चन में तो दिया छोटा सा ट्रिब्यूट आपके लिए तैयार किया है, फोर्थ क्वेश्चन मेरे को क्या दिया गया है, देखो फोर्थ क्वेश्चन मेरे को दिया गया है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन मेरे को दिया गया है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन एट ए स्पीड u अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड e, How much distance will it travel before coming to momentary rest? देखो भाई बात क्या कर दी, बात ये कर दी कि पार्टिकल का मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, उसको थ्रो किया गया है, अगर उसको थ्रो किया गया है ठीक है अगेंस्ट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन, यहां पे एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट कॉन्सेप्ट इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे आएगा, फाइनली तो उसे जीरो जाना है, तो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जीरो, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो उसकी जीरो होगी, क्योंकि यही तो कहा गया है कि रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो, ये वर्क एनर्जी थ्योरी में बेटा कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जीरो। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट That is equal to half m u square. अब force क्या होता है? Force होता है q naught into e और into displacement s. That is equal to half m u square. Half m into u square. अब देखो भाई, आपके पास displacement की जो value है ना, वो आ जाएगी half m u square divided by q naught into e. बताओ भाई बच्चों, अब values सारी हैं आपके पास. यहाँ देखो, यहाँ आ गया मैं half मास m है, अच्छा ठीक है इनकी वैल्यूज तो दे ही नहीं रखी, तो हाफ m मास है, u वेलोसिटी m u स्क्वायर डिवाइड बाय q नोट कीजिए, q कर लो चार्ज q दे रखा है पार्टिकल के ऊपर q into e, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा इसी क्वेश्चन को ये ऐसे भी बना सकते थे कि वैल्यूज दे सकते थे, जैसे कि पार्टिकल पार्टिकल के बीच में क्या ले सकते थे, इलेक्ट्रॉन ले सकते थे, तो इलेक्ट्रॉन का मास आप यूज कर लो 9.1 × 10⁻³⁻¹ किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी दे सकते थे इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए उसकी 20 मीटर पर सेकंड है, तो 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी, फाइनल वेलोसिटी मान लो उसकी जीरो दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो कितने डिस्टेंस में वो क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा, कितने डिस्टेंस में वो क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ठीक है ना, बहुत इजीली आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमसे क्या पूछ रहा है ठीक है, देखो बच्चा पढ़, हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किस तरह से कवर करना है, हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5, देखो कैसे हम उसके साथ डील करेंगे, कैसे हम उसको सॉल्व करके चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या क्या कहा गया हमने,
नेक्स्ट न्यूमेरिकल में किस तरह की बातें करी गई, देखो मैं फटाफट सोल्व करता हूँ बच्चा इसको, ठीक है, क्योंकि पीछे वाले की कॉपी तो है। A particle of mass m and charge q is released from rest, मतलब initial velocity उसकी जीरो है, released from rest. In uniform electric field of intensity E, calculate the kinetic energy it attains after moving a distance x between the plates. हाँ जी, हमें कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी इट अटेन्स आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस x बिटवीन द प्लेट्स, है ना, x डिस्टेंस मूव करने के बाद, ठीक है। देखो जी कैसे काम करेंगे हम, देखो देखो आपको पता है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट जब भी मैं करता हूँ तब मैं एक बात तो है, एक पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q इन यूनिफॉर्म, पार्टिकल कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बताओ, F is equal to q, कोई भी पार्टिकल है जिसके पास चार्ज q है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F is equal to q, ठीक है। देखो बच्चा एक बात याद रखना, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज इक्वल टू क्यू, नंबर एक बात। अब नंबर दूसरी बात क्या है, दूसरे नंबर पे क्या बात आती है कि यहां से अगर मेरा मासिव पार्टिकल है देन दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास एंड एक्सीलरेशन, तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई क्यू ई बाय एम, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई क्यू ई बाय एम। अब आपको पता है ना कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होना चाहिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना होना चाहिए, टू ए एस के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या कहा गया कि u तो जीरो है, तो u जीरो है तो v square is equal to क्या आ गया, 2as आ गया ना, v square is equal to 2as, तो v square is equal to 2a, acceleration कितना है, acceleration तो qe by m है, qe by m into s, तो v square is equal to 2 into qe by m और into displacement कितना है, उनके बीच displacement है 2q into e, displacement है x के बराबर divide by m, ठीक है, तो ये आपके पास वी स्क्वायर की वैल्यू है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हमें कैलकुलेट करनी है ना काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला एम कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा एक्स, दिस इज द फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट भी साथ साथ नोट करते जाना बच्चा पार्टी, ठीक है, क्योंकि बिना स्टेटमेंट के आप आगे काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ये न्यूमेरिकल क्लियर है सभी बच्चों का, न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं। 10 मिनट के बाद मैं आपकी अटेंडेंस ले लूंगा, सही एग्जैक्ट आपका 45 पे अटेंडेंस ले लूंगा मैं, ठीक है, आज की हमारी जो क्लास है वो स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स पे है, ठीक है, तो बड़े ध्यान से इसे कवर करें बच्चा। बहुत बढ़िया, हाँ जी सभी को क्लियर हो गया ये, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, हरजोगन, गुरलीन, उपविंदर, सार्थक, गुरलीन कौर, ठीक है भाई, गुरलीन बाजवा, इमनंदन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जानवी, दैट्स गुड, मंजोट, मनीषा, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, यानी कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो मेरे साथ लग के ना, चलो दैट्स वेरी गुड, आपकी रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो, मैं यही मतलब मेरे एफर्ट्स यही है कि आपकी रिवीजन में कोई कमी ना रहे बच्चा, ठीक है, आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, मैं यही चाहता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा, ऐसे ही जुड़े रहो, बहुत बढ़िया आश्रय, बहुत बढ़िया गुरप्रीत, मनीषा, मंजोत, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये देखो भाई न्यूमेरिकल, क्या पता आप इसको सोल्व कर लो खुद से, ठीक है, क्या पता आप इसको बहुत अच्छे से सोल्व कर जाओ, ए चार्ज बॉल ऑफ मास दिस इज फाउंड टू रिमेन सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन बॉल गिवन g इज इक्वल टू दिस, देखो बच्चा
इसमें तो सिंपल ही कॉन्सेप्ट है कि ये देखो वही बात आई ना, मैंने जो आपको बताया था स्टार्टिंग में जब मैं न्यूमेरिकल्स आपको बता रहा था कि इस पे बेस होके कैसे कैसे न्यूमेरिकल आए, तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसमें एक बॉल आपने सस्पेंड कर रखी है, ये लो जी ये आपने एक बॉल सस्पेंड कर रखी है, तो यहाँ पे दो चीजें लगती है, एक तो नीचे वाली फोर्स और एक ऊपर वाली फोर्स, है ना। नीचे वाली जो फोर्स लगती होती है ना दैट इज mg, और ऊपर वाली जो फोर्स लगती होती है वो होती है, और ये जो दोनों फोर्स जब बैलेंस करती है ना तब ये स्टेशनरी रहता है, तब ये स्टेशनरी रहता है। तो mg = qe, आपको क्या चाहिए, q चाहिए ना, तो mg / e, m आपको दे रखा है, मास आपको दे रखा है, तो 8.4 × 10⁻¹⁶, g की वैल्यू है 10, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻¹⁴, ठीक है, सॉल्व कर लो यार, तो सॉल्व करोगे तो 4.2 × 10⁻¹⁹ कूलम आ जाएगा, बस दिस इज द आंसर, ठीक है, ये आपको देख ही जाते, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, अगर कॉन्सेप्ट पे सही कमांड बन गई तो फिर न्यूमेरिकल्स आपके आगे चलेंगे, ठीक है, भागते जाएंगे आपसे, डरने लग जाएंगे, कहेंगे कि ये आ रहा है देखो, है ना, ये हमें सॉल्व कर देगा। अच्छा जी चलो कोई बात नहीं, ये तो जोक था। अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, ये काफी इजी न्यूमेरिकल था जिसको हमने अभी अभी सॉल्व किया है, ठीक है, सेवंथ न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चा पार्टी, सेवंथ न्यूमेरिकल को ध्यान से, टू चार्जेस दिस एंड दिस आर प्लेस्ड 6 cm अपार्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 6a दे रखा है क्या, अच्छा 6a दे रखा है जी, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, क्या कहा गया इसने कि टू इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस q एंड प्लस 4q प्लस q एंड प्लस 4q आर प्लेस्ड 6a apart on a horizontal plane. Find the position of the point on the line joining the two charges where electric field is zero. अब दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं जीरो, है ना, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं जीरो, ये देखो ये देखो, ये दो चार्ज हैं आपके पास, ठीक है, आप इसकी वैल्यू है भाई आपके पास प्लस क्यू, इसकी वैल्यू है जी प्लस 4q, ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो आपको गिवन है, दैट इज 6a, वो 6a आपको गिवन है, ठीक है बच्चे पार्टी, 6a डिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको कहा गया कि इनके बीच में कोई पॉइंट ढूंढ लो, मैंने मान लिया वो पॉइंट कैसा, मैंने मान लिया वो पॉइंट ये P, और ये P जो है ना वो x डिस्टेंस पे लाई करता है यहां से, तो ये कितना बाकी बच गया 6a - x, है ना 6a - x, ठीक है, P पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है। कैसे काम करोगे भाई बताओ, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इधर, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इधर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बच्चा E2, तो आपको क्या कहा गया कि E1 - E2 at P is equal to 0, इसका मतलब हुआ E1 = E2, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करते हो, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सोर्स चार्ज Q डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है x, एक बार तो ले लो x का स्क्वायर, और दूसरी सिचुएशन में आपके पास है दूसरा चार्ज कितना है 4q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 6a - x का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लो बच्चा, सॉल्व जैसे ही करोगे आप तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, ठीक है, यही वैल्यू हमें चाहिए ना, x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, ठीक है, तो ये काफी इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में किसी पॉइंट पे मिलेगा, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां मिलेगा, नेगेटिव के पास, लेकिन पॉजिटिव से काफी दूर, है ना, पॉजिटिव से काफी दूर, इन दोनों के बीच में नहीं मिलेगा, बाहर जाके मिलेगा नेगेटिव के पास, ठीक है, ये बात आप याद रखना बच्चा, ठीक है, देखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो भाई बच्चा नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 8, देखो आज हमने, हम न्यूमेरिकल नंबर 8 पे आ चुके हैं बच्चा, ठीक है, हाँ जी,
न्यूमेरिकल नंबर 8 पे आ चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही फास्ट हमने किया है न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने में हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत तगड़ी कमांड बना ली। देखो हमें क्या कहा गया कि इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन जस्ट बैलेंस ए न्यूट्रॉन। बताओ जी यहाँ पे भी क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, क्यू इज इक्वल टू एम जी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आएगा, एम जी अपॉन क्यू, ठीक है ना। तो m कितना दे रखा आपको, m दे रखा 3.2 × 10⁻²⁷ g की वैल्यू 10 ले लो, चार्ज आपको दे रखा है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर 1 होता है, 1 e होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹, बस इतना चार्ज है। सॉल्व कर लो बच्चा, रिजल्ट आ गया आपके पास, ये तो बहुत इजी रहा हमारे लिए, ठीक है। तो यानी कि ये इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमें प्रैक्टिस करनी है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स के साथ डील करना है। ये इतने न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए हैं, बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कुछ मैं आपको उसकी असाइनमेंट फॉरवर्ड करूंगा, तो वो असाइनमेंट आप सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मेरे को चेक भी करवाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे बढ़ के थोड़ा सा काम करवाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे बढ़ के हमें क्या काम करना है, चलो उस पर बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। देखो बच्चों अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातें करी, अब हम जो बात करने वाले हैं ना वो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल की मोमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल की मोमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी बातें हमारी रहने वाली है, ठीक है। देखो भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करूंगा मैं सबसे पहले, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या चीज होती है, मैं कैसे उसको इंट्रोड्यूस करूंगा। देखो बच्चा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखो बच्चा डाइपोल का मतलब होता है दो पोल, एक पॉजिटिव पोल होगा उतने ही अमाउंट का एक नेगेटिव पोल हमारे पास होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव पोल हमें लेना है तो उतनी अमाउंट का एक नेगेटिव पोल हमें लेना है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। देखो बच्चा यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रोस्टेट में हम पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं, पॉइंट चार्जेस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग पॉइंट चार्जेस। मान लीजिए ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज है प्लस क्यू, उतने ही मैग्नीट्यूड का ये आपका माइनस क्यू। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के दो चार्ज कुछ सेपरेशन में रखे हों जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या फॉर्म करते हैं, डाइपोल फॉर्म करते हैं। तो क्या फॉर्म करते हैं, डाइपोल फॉर्म करते हैं बच्चा, ठीक है। डाइपोल फॉर्म करते हैं। अच्छा एक बात सुनो कि मैं यहाँ पॉइंट चार्जेस क्यों ले रहा हूँ, पता है आप देखो F is equal to K Q1 Q2 divided by R square होता है ना, होता है ना बच्चा। अगर मान लो मैंने चार्ज ले लिया 1 कूलम ले लिया, Q2 भी 1 कूलम ले लिया और R 1 मीटर ले लिया, मान लो एक छोटी जनरल बात बता रहा हूँ कि मैं पॉइंट चार्जेस क्यों लेता हूँ या स्मॉल चार्जेस क्यों लेता हूँ, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। अगर मैं ये ले लूं तो F किसके बराबर आएगा, कि K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। अब एक बात देखो बच्चा कि अगर चार्ज हमारा इवन 1 कूलम है तो भी फोर्स बहुत बड़ी आ रही है ना, और वो बड़ी किसके कारण आ रही है, वो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण बड़ी आ रही है, दैट्स व्हाई 1 कूलम इज वेरी वेरी बिग चार्ज ना। सही बात है, 1 कूलम ऑफ चार्ज है ना इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है। तो आप ज्यादातर यहाँ जो चार्जेस देखोगे ज्यादातर वो कोई आपको माइक्रो कूलम मिलेगा, कोई मिली कूलम मिलेगा, ठीक है। यानी कि इनका मैग्नीट्यूड मान लीजिए मैंने 1 माइक्रो, हाँ जी इसी में काम बनेगा आपका, ठीक है ना, इसी में काम बन के चलेगा आपका, ये बात आप हमेशा याद रखें। अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल की मूवमेंट क्या होती है, पहली बात तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन का बड़ा तगड़ा रोल होता है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन की बड़ी बात है, ठीक है ना, वो बातें कैसे। देखो
इसकी जो डायरेक्शन होती है ना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, वो होती है नेगेटिव पोस्टर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। पूरी फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ही एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ठीक है ना। केवल एक यही ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ठीक है ना। बस एक यही फिजिकल क्वांटिटी है, ये बात आप याद रखना। चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, चाहे प्लस का मैग्नीट्यूड ले लो चाहे माइनस का मैग्नीट्यूड ले लो, मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ ऑफ डायपोल। टोटल लेंथ ऑफ डायपोल इज R, here we have taken, then this is Q into R, this is nothing but equal to electric dipole moment. अब electric dipole moment की unit क्या बननी चाहिए? Charge की coulomb, R की meter, तो coulomb meter, this is the unit of B. Dimensional formula भी आप लिख सकते हैं। Charge के लिए क्या होता है? Current into time, current A time T, R के लिए L, तो ये आपके पास M0, L1, T1, A1, this is the dimensional formula for इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यानी कि ये सब कुछ बातें जो हैं वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए। गुरलीन कौर, बेटा वीडियो बंद करो, बच्चा वीडियो बंद कर लो बेटा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब देखो बच्चा, हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करवाता हूं मैं आपको। एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल मेंशन है, वो न्यूमेरिकल आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू पूछेगा। आपको किस तरह से दिया गया होगा वो, थ्री कोऑर्डिनेट्स उसके दिए गए होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा, ठीक है ना। एक्स वाई और जेड आपको गिवन होगा, उसकी स्टेटमेंट भी मैं आपको बताता हूं कि उसकी स्टेटमेंट आपको किस तरह से दी जाएगी। देखो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जब आप एनसीईआरटी से डील करते हो, ठीक है ना। एनसीईआरटी से जब आप डील करोगे तब आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, कोई भी न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, खैर मेरे को मैं बताता हूँ कि मान लीजिए एक चार्ज आपको दे रखा है प्लस 1.6 × 10⁻⁶ कूलम, दूसरा चार्ज दे रखा है क्यू टू, उसकी वैल्यू दे रखी है −1.6 × 10⁻⁶ कूलम। इसको दे रखा है 0.004 सेंटीमीटर और इसको दे रखा है 0.0 और −4 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आपको पूछा जाएगा फाइंड नेट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे सबसे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल यही बन सकता है, इससे कॉम्प्लिकेटेड कभी बन भी नहीं सकता जो मैंने बनाया आपको, ठीक है। अब आप देख लो, आप सोते हुए सर ये क्या कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं है कॉम्प्लिकेटेड ना, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इससे फालतू स्टैंडर्ड का न्यूमेरिकल नहीं बन सकता, ठीक है जी। मान लीजिए कि ये आपकी हो गई जेड डायरेक्शन, ले लेते हैं इसको, और इसको हम ले लेते हैं वाई डायरेक्शन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये एक्स डायरेक्शन है, ये आपकी वाई डायरेक्शन है, ये जेड प्लस वाली डायरेक्शन है और ये जेड माइनस वाली डायरेक्शन है, जेड। अब आपको जीरो जीरो और फोर, मतलब ये एक्स, ये वाई और ये जेड, 4 सेंटीमीटर, मतलब मान लीजिए आप यहां कहीं पे यहां जीरो जीरो और 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और एक है आपके पास दूसरा चार्ज, कहाँ पे बैठा रखा है? यहाँ पे चार्ज बैठा रखा है Q1 और यहाँ पे चार्ज बैठा रखा है Q2, जिसकी वैल्यू ओरिजिन से, ये ओरिजिन मान लीजिए, ओरिजिन से उसकी वैल्यू कितनी है? ओरिजिन से वैल्यू है 0.0 − 4 सेंटीमीटर, 0.0 और −4 सेंटीमीटर, ये है। तो नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज कितना होगा बताओ? नेट चार्ज हो जाएगा आपके पास Q1 + Q2, एक प्लस है एक माइनस है, तो कितना हो जाएगा? 0। अब दोनों के बीच सेपरेशन कितना बनता है? 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का सेपरेशन बनता है। तो डायपोल मतलब दोनों के दोनों डायपोल हो गए, एक प्लस है
चार्ज और एक माइनस है चार्ज, तो डाइपोल बन गया, इन दोनों ने डाइपोल बना लिया। डाइपोल की लेंथ कितनी है? लेंथ है डाइपोल की 8 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी का भी एक का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है, मैग्नीट्यूड किसी का भी एक का प्लस और माइनस, आप प्लस माइनस नहीं लेना आपको, 1.6 × 10⁻⁶ मतलब, तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, वो क्या होगा, q × r के बराबर होगा। q की वैल्यू कितनी है भाई, q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁶, r की वैल्यू कितनी 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की वैल्यू होती है -2। तो आपके पास कॉन्सेप्ट बन गया 1.6 × 8 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका रिजल्ट है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, नोट कर लो, और चाहे लिखवा लो में से एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल ही आएंगे इस बार, ठीक है। तो एनसीईआरटी से बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना, ये बात आप मेरी बिल्कुल गांठ मान लो इस बात की, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। अब बच्चा देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की तो बातें हो गई, उस पे न्यूमेरिकल भी हो गए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इक्विटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड एट एनी पॉइंट, और उससे पहले जो हमारा मेन काम है वो करते हैं हम लेते हैं आपके अटेंडेंस, ठीक है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जिनकी अटेंडेंस अगर मार्क ना हो अभी, तो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क जरूर करूंगा बेटा। जो बच्चा यहाँ आगे बैठा है क्लास में उसकी अटेंडेंस जरूर लगेगी। आकर्षण वालिया, आश्रय, गुरलीन बाजवा, गुरलीन कौर, गुरप्रीत सिंह, हरजोगन, हरसिमरन, इमनंदनप्रीत कौर, जानवी सहोता, मनीषा, मनजोत कौर, मनजोत कौर दोनों क्लासेस के हैं, 12 ए की भी है, 12 सी वाली भी है, प्रशांत शर्मा, साहिल प्रीत सिंह, संदल, सार्थिक महाजन और उपविंदर, उपविंदर जीत सिंह, 12 सी का बच्चा है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा है तो बता दो प्लीज, कोई ऐसा ना हो बच्चा कि जिसकी अटेंडेंस मैंने नहीं लगाई हो, मेरे को मैसेज कर दो, क्योंकि अब तक हमारी क्लास चल रही है, ठीक है। हाँ जी, सॉरी सर, मिसिंग अर्लियर पार्ट ऑफ क्लास एज नेटवर्क वाज नॉट गुड। कोई बात नहीं प्रशांत, कोई बात नहीं बच्चा, बस कवर कर लेना उसको यार, मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस होके, तो वो न्यूमेरिकल्स प्लीज आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बस इतना सा काम आप तरफ से कर लेना, बाकी सब बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, क्लियर करता हूँ मैं ऑल ड्रॉइंग्स और बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट की ओर। आई विल वॉच इट एज एट यूट्यूब व्हेन यू विल अपलोड, ओके 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 बच्चा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब आगे बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को, आगे हम लेके चलते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम मेरे ख्याल से कम है, तो टाइम नहीं है तो फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू नहीं करते, और इसी पे बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे हमने बात कर ली है आज, तो P is equal to magnitude of any charge multiplied by length of dipole। बहुत सी जगह पे ये length क्या दी गई होगी आपको, 12 दी होगी बच्चा। जैसे मैंने पीछे आपको concept जब कराया था, तो मैंने ये center of dipole लिया था, center of dipole से जितना distance positive का हुआ, उतना ही distance negative का हुआ, तो मैंने जो length है वो r को 12 के बराबर लिया था, तो q into 12 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। आप इस बात से बिल्कुल भी बचल ना हो, 12 ही आपकी length ही है। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो चार्जेस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच मोस्ट ऑफ कंडीशंस में सेपरेशन बहुत ही ज्यादा कम मिलेगा, बहुत ही ज्यादा कम मिलेगा, ठीक है। तो इस बात की भी बिल्कुल चिंता ना करें कि इनके बीच सेपरेशन बहुत ज्यादा मिलेगा, ना, इनके बीच भी सेपरेशन मिली में मिलेगा, नैनो में मिलेगा, माइक्रो में मिलेगा, इस तरह का सेपरेशन ही आपको मिलेगा। देखो बच्चा, जो न्यूमेरिकल्स आपको बना के देगा वो आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काम करके देगा, ऐसा नहीं है कि वो आपको इलॉजिकल काम करके देगा, ना, लॉजिकली बहुत सही होगा, ठीक है ना, लॉजिकली बहुत सही होगा, ये बात आप मान के चले बच्चा पार्टी, ठीक है। तो आप ये भी बात मान के चलिए कि ये डिस्टेंसेज जो हैं वो आपके पास, ठीक है, कुछ इस तरह से गिवन,